warm hello to all the learners of Mathematics Maths Adda. Integral calculus beta and gamma function का आज next video में आपके सामने लेकर के आया हूँ. काफी videos हम कर चुके हैं beta gamma functions पे. Beta function के दोनों forms हम पढ़ चुके हैं. Gamma function जो last video हमने लिया था उसमें हमने gamma function की definition पढ़ी थी, उसकी properties पढ़ी थी, और beta function और gamma function में हमने relation proof किया था. क्या relation था? Beta mn is equal to था गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन. और गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी थी गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन. और फैक्टोरियल टर्म्स में हमने देखा था कि गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल. ये सारे टर्म्स मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको प्रूव करा चुका हूँ, तीनों हमने प्रूव कर लिए हैं. अगर आप वो वीडियोज देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन सारे वीडियोज को आप देख सकते हैं, क्योंकि उन्हीं वीडियो से आप आगे के ये तीन क्वेश्चन जो आज मैं कराने जा रहा हूँ तीनों एज अ फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं. ये तीनों रिजल्ट आपको समझ में तभी आएंगे जब आपको ये बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बारे में पता होगा. तो तीनों जो क्वेश्चन है आज के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका प्रूफ भी एग्जाम्स में पूछा जाता है और इनका यूज आगे के न्यूमेरिकल्स में भी काफी होने जा रहा है. तो ये मान के चलिए कि एग्जाम में इनमें से या तो ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है या इन पे बेस्ड आपको कोई न्यूमेरिकल मिलने वाला है, किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आप ले लीजिए. तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. पहला जो क्वेश्चन है 0 टू पाई बाई टू कॉस एम कॉस की पावर एम थीटा साइन की पावर एन थीटा इज इक्वल टू, आपको ये प्रूफ करना है कि गामा एन प्लस वन बाई टू गामा एन प्लस वन बाई टू अपॉन टू गामा एन प्लस टू अपॉन टू. तो ये आपको इसमें प्रूफ करना है. इसमें आपको कुछ रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ पे पुटिंग साइन स्क्वायर थीटा को x अगर हम मान लें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा क्या बनेगा डी एक्स. तो डी थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया डी एक्स अपॉन टू साइन थीटा. साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा x की पावर 1 बाई टू. कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे फिर से क्या आ जाएगा x आ जाएगा. ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहां रखें देयरफॉर 0 टू पाई बाई टू कॉस एम थीटा साइन एन थीटा डी थीटा को हम लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई टू. कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं पावर 1 बाई टू. तो ये एम बाई टू हम इसको लिख सकते हैं. साइन की पावर एन थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर एन बाई टू और डी थीटा. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा x की पावर m बाय टू. साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा x की पावर n बाय टू. और d थीटा की जगह पे आ जाएगा dx एक्स अपॉन टू एक्स की पावर 1 बाई टू और 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई टू. लिमिट देखिए आप लिमिट में क्या चेंज आएगा. x की जब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो साइन 0 0 और साइन पाई बाई टू क्या होता है 1. तो ये बन जाएगा 0 से 1. देखिए आगे इसके तो आपको 0 टू पाई बाई टू कॉस एम थीटा साइन एन थीटा डी थीटा क्या मिल रहा है 0 टू 1. सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको. जो 2 है अपॉन में उस 2 को बाहर लिख देते हैं. और ये x की पावर n बाई टू और x की पावर 1 बाई टू है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर n माइनस 1 बाई टू. 1 माइनस x की पावर को क्या लिख सकते हैं देखिए आप m माइनस 1 बाई टू और dx बाहर से क्या आ रहा है 1 बाई टू. अब याद कीजिए बीटा फंक्शन जो सबसे पहला लेक्चर हमने किया था उसमें बीटा फंक्शन की फॉर्म क्या पढ़ी थी हमने. बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx ये पढ़ा था. इसी फॉर्म में कुछ यहाँ पे आ रहा है 1 बाई टू 0 टू 1 x की पावर n माइनस 1 बाई टू 1 ऐड कर लेते हैं 1 माइनस कर लेते हैं ये 1 माइनस 1 1 बाई टू 0 टू 1 x की पावर कितनी हो जाएगी n प्लस 1 बाई टू माइनस 1 1 माइनस x की पावर m प्लस 1 बाई टू माइनस 1 dx. बीटा एम एन का फॉर्मूला बन गया. क्या बन गया 1 बाई टू बीटा m की जगह पे क्या आ रहा है n प्लस 1 बाई टू और m इसकी जगह पे क्या आ रहा है इनकी जगह पे एम प्लस वन बाई टू. डिटेल में आपको ये प्रूफ मैं सारे करवा चुका हूँ पहले. तो
अब बीटा फंक्शन का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, इसमें क्या बन जाएगा देखिए आप, बीटा एम एन क्या, गामा एम, गामा एम की जगह क्या आ जाएगा, गामा एन प्लस वन बाई टू अपॉन, सॉरी इंटू एम प्लस वन बाई टू, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एक टू तो आ रहा है इसमें, और क्या एम प्लस एन का मतलब क्या है, इन दोनों का सम, एन प्लस वन प्लस एम प्लस वन अपॉन टू। देखिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया, क्या आ गया, गामा एम प्लस वन बाई टू गामा एन प्लस वन बाई टू अपॉन टू गामा एम प्लस एन प्लस टू बाय टू। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, प्रूफ भी, और इसका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई भी हम करेंगे आगे, तो इसका फॉर्मूला भी आप याद रखिए और प्रूफ तो आपको याद रखना ही है इसका। तो ये आपका इस पहले वाले पार्ट का, पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। दोनों क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पर आता है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू पाए अपॉन साइन एन पाए। इसमें एक रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, एक फॉर्मूला आपको यूज करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स। ये अगर कोई इंटीग्रेशन को अगर आपको सॉल्व करना है इस फॉर्म में, तो इसका आंसर होता है पाए अपॉन साइन एन पाए। इसका डायरेक्टली मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब देखिए कैसे हम फॉर्मूले को कैसे इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। बीटा एम एन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बीटा एम एन के दो फॉर्मूले हमने पढ़े, एक तो गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन हमने प्रूव किया हुआ है, एक है बीटा एम एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी वाली फॉर्म भी थी, एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। दोनों फॉर्म मैंने आपको करवा रखी है, दोनों ये इक्वल हो जाएंगे, गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। जो प्रूफ आपको करना है उस प्रूफ को देखिए यहाँ पे कहीं पे भी एम नहीं आ रहा है, यानी कि इस एम को हम रिप्लेस कर लेते हैं, या फिर ये जो अपॉन वाला टर्म है ये भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हम क्या कर लेते हैं, पुटिंग एम प्लस एन इज इक्वल टू वन, तो एम प्लस एन को वन मानेंगे तो एम कितना हो जाएगा यहाँ पे, वन माइनस एन, तो गामा वन माइनस एन गामा वन सॉरी गामा एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर कितनी, एम प्लस एन को हमने क्या माना हुआ है, वन डी एक्स। और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पहले से मैंने लिखा हुआ है, तो ये वही टर्म बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू कितना आ गया, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, पाए अपॉन साइन एन पाए। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसका डायरेक्टली मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो ये प्रूफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, लेकिन ये फॉर्मूला काफ़ी यूज होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने पे। तो गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाए अपॉन साइन एन पाए। और जो लास्ट न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी। गामा वन बाई टू की वैल्यू क्या होती है, रूट पाए। इसका प्रूफ देखते हैं, देखिए बीटा एम एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। अगर मैं इस एम और एन की जगह पे वन बाई टू और वन बाई टू रख दूँ, गामा वन बाई टू सॉरी बीटा वन बाई टू, वन बाई टू कितना हो जाएगा, गामा वन बाई टू अपॉन गामा वन, गामा वन की वैल्यू होती है वन, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा वन बाई टू कॉमा वन बाई टू कितना आ गया, गामा वन बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन वन है। अब आप देखिए जो बीटा वन बाई टू और वन बाई टू है, बीटा एम एन का फॉर्मूला क्या होता था, जीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये फॉर्मूला होता था। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ इसकी जगह पे, बीटा वन बाई टू कॉमा वन बाई टू, तो क्या बन जाएगा, जीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस वन यानी कि वन बाई टू माइनस वन वन माइनस एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू गामा वन बाई टू का स्क्वायर। इक्वेशन हटा दे रहा हूँ, उसका मार्क करना कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, इतना यूजफुल है। बीटा वन एम एन का फॉर्मूला हमने जीरो टू वन वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब इस
सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे 0 टू 1 एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया गामा 1 बाई 2 का स्क्वायर। अब आपको इसको इसकी जो लेफ्ट साइड है उस लेफ्ट साइड को आपको सॉल्व करना है और लेफ्ट साइड को सॉल्व करके आपको क्या लेकर के आना होगा इसको पाई लेके आना होगा ताकि इसका स्क्वायर हटेगा तो गामा 1 बाई 2 क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली रूट पाई। तो यहाँ पे हमको एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा जिससे आपका ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए। तो पुटिंग एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह पे हम रख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स क्या बन जाएगा डी एक्स आपका आ जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये वैल्यूज अगर हम यहां रखते हैं इसमें तो देखिए क्या चेंजेस इसमें आएंगे। एक्स की लोअर लिमिट क्या है जीरो, एक्स की लोअर लिमिट जीरो है तो ये जीरो रहेगा और एक्स की लोअर हायर लिमिट क्या है वन, वन यहां रखेंगे तो साइन इनवर्स वन क्या होता है पाई बाई टू, तो लिमिट क्या हो जाएगी जीरो टू पाई बाई टू एक्स, एक्स की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा की पावर माइनस वन बाई टू, वन माइनस एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा की पावर माइनस वन बाई टू, डी एक्स की जगह पे क्या है टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा और राइट साइड में क्या आ रहा था गामा वन बाई टू का स्क्वायर। देखिए टू जीरो टू पाई बाई टू ये क्या बन जाएगा साइन की पावर साइन थीटा की पावर माइनस वन, ये कॉस स्क्वायर थीटा और टू से टू कैंसिल होगा तो कॉस थीटा की पावर माइनस वन साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा गामा वन बाई टू का स्क्वायर। साइन थीटा और ये कैंसिल हो गया क्योंकि एक पावर प्लस में एक माइनस में ये भी कैंसिल हो गया तो यहाँ सिर्फ बचेगा डी थीटा गामा वन बाई टू का स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे थीटा आ जाएगा जीरो टू पाई बाई टू गामा वन बाई टू का स्क्वायर, तो गामा वन बाई टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा टू इंटू पाई बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया स्क्वायर हटा देंगे तो गामा वन बाई टू की वैल्यू क्या आ गई रूट पाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका प्रूफ भी और इसका जो ये फॉर्मूला है ये भी आपको याद रखना है आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए। तो तीनों जो प्रूफ मैंने आज कराए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और थर्ड तो मेनली प्रूफ भी पूछा जाता है, सेकंड का प्रूफ इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन तीनों रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे के न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे के न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे।